भैया गलती कर दी यहाँ के तो हमने। हाँ जी, शाम की बज रही 5 और हम अपने नए एपिसोड में आ गए, 10th एपिसोड जो कि हम अजमेर हिडन जेम्स का बना रहे हैं। अब हुआ ये, कल हमने देखी साउथ इंडियन मूवी। अब फिर हमें विचार आया यार, हमने साउथ का तो कुछ खाने पीने का तो बनाया नहीं अजमेर में, क्या साउथ का मिलता नहीं है। सुबह आए, हमने जांच पड़ताल करी तो पता पड़ा भैया लुंगी कोई पहनने वाली नहीं, एक रेस्टोरेंट है लुंगी अपना वैशाली नगर शिवशंकर डेयरी वाली के गली में, और बहुत ही बेहतरीन इनके पास साउथ इंडियन है। तो भैया इनके मेनू में गजब गजब की चीज़ें, डोसे इडली सांभर बड़ा सब है, लेकिन हम आज आए हैं डोसा ट्राई करने, और मेनू में देख के हमें पता पड़ नहीं रहा कौन सा वाला बेस्ट है। तो भैया आप आना एक मिनट, हमें थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए कि कौन सा वाला बढ़िया है। ये भैया है, और पता है सर अपने पास डोसे में क्या क्या है? तो हमारे ऑलमोस्ट सब कुछ ही फेमस है, स्पेशल है, लेकिन बुर्ज खलीफा डोसा है। अच्छा, यू हैव फैमिली डोसा, वेरी गुड, वो जो 4 फीट का रहेगा अपने, 4 फीट का। आप लोग कोई सपना नहीं देख रहे भैया, ये सच में 4 फीट तो भैया ने बताया, लेकिन कम से कम 5 फीट का डोसा ही है। नारियल की चटनी है, सांभर है, टमाटर की चटनी है, आलू स्टफिंग है, पनीर स्टफिंग है, और ये है इतना बड़ा डोसा। तैयार किया हुआ आलू के मसाले को, आप भैया फोटो में देखो, वीडियो में देखो, आप खाली आप बस यहाँ आ जाओ, फटाफट टेस्ट कर लो इसको। अरे हाय, ये देखो आप आलू का मसाला, ये देखो आप, बिल्कुल इसको देखो आप, इतना बेहतरीन से बनाया हुआ है, खाली खाने का ही मन कर रहा है। लाजवाब साइज देखा आपने, 5 फीट, घर के 6 जने आओ ना तभी बना लेना। अजमेर में हमने पहली बार ही देखा है भैया ये। अल्टीमेट भैया, मजा आ गया, बेहतरीन चीज बनाई आपने यार, बहुत शानदार। सच कह रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ था, डिफॉल्ट हम आए थे यहीं के पास में, हमने कहा चलो यार साउथ इंडियन ट्राई करते हैं, लेकिन हमें ये था कि यार एक तो बाइट टेस्ट करेंगे, लेकिन भैया बहुत बेहतरीन है, हाफ तो खाई जाऊँगा मैं इसको टेस्ट करते करते। अब हमारे रवि जी को भी ट्राई कराते हैं, उन्होंने मोबाइल काफ़ी देर से पकड़ा हुआ है। भैया 10 out of 10 है इसको, मेरी तरफ से कोई भी आगे चैलेंज कर देना 5 आइटम के लिए, स्टफिंग डोसा सांभर चटनी और चटनी, इसमें मजा नहीं ला मैं मैडम। मजा आ गया, सर क्या बात है, सर क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या भैया गलती कर दी यहाँ के तो हमने, अकेले आके यहाँ गलती कर दी हमने, ये जगह भैया कम से कम 5 से 6 जनों को पकड़ के ले आते, जो भी साउथ इंडियन के फेवरेट है ना, जिनको अच्छा लगता है वो यहाँ आते ना, इनके लिए जन्नत है भैया जन्नत। और ये जो हमने 5 फीट का डोसा मंगाया, इसकी प्राइसिंग है 340 रुपीज़ ओनली, और मैं कहता हूँ इसको आराम से 7 से 8 जने खा सकते हैं। और भैया के पास में, भैया अपना प्लेन डोसा कितने का है? सर 50 रुपीज़। अच्छा, 50 रुपये का प्लेन डोसा है, केवल 50 रुपये का, और मसाला डोसा 80 रुपये का, 80 रुपये ओनली। और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, शिवशंकर वैशाली नगर डेयरी वाली गली में 5 से 6 बिल्डिंग छोड़ के लूँगी, यहाँ पे आ जाओ, और जो डोसे का दीवाना है ना भैया, एक बार यहाँ का डोसा खा लो, फिर मुझे आप बताना कि आपको कैसा लगा, इतना बेहतरीन डोसा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। चलो भैया, हमेशा की तरह जो हमसे बच जाता है, लेकिन आज तो भैया देख लो आप, पूरा का पूरा हमसे खाया नहीं गया, समझ लो 1/4 भी क्या, 1/5 भी नहीं खाया गया हमसे, भैया इसको पैक करने के लिए ले जा रहे हैं, और साइज देख लो आप कितना बड़ा है, एक गेट के बराबर का साइज है, तो भैया इसको पैक कर दो आप हमारे लिए फटाफट। ओके सर,